हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीबी सर। और हम पढ़ रहे थे एजुकेशनल इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज के वीडियो में हम देखेंगे टूल ऑफ मेजरमेंट के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। एग्जाम December 3 को है, इसीलिए बहुत ही फास्ट वे में हम सबको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है टूल ऑफ असेसमेंट। कौन कौन से टूल है जिसके द्वारा हम असेसमेंट कर सकते हैं? ओके, अगर हम असेसमेंट को उसके स्कोप के आधार पे देखेंगे तो ये दो तरह के असेसमेंट हो जाएंगे या फिर दो तरह के टेस्ट हो जाएंगे। एक होगा टीचर मेड टेस्ट, एक होगा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या होगा? जिस टेस्ट को टीचर ने बनाया है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होगा? जिस टेस्ट को एक्सपर्ट ने बनाया है। तो क्या है टीचर मेड टेस्ट, क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसको थोड़ा देख लेते हैं। टीचर मेड टेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टीचर मेड, टीचर क्या करेंगे, ये इस टेस्ट को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशंस को, स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप के ऊपर वो यूज करना चाहते हैं, इसीलिए वो टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। या फिर ऐसे आप कह सकते हो, तो कोई स्पेशल क्लास है, ओके, या फिर कोई स्पेशल यूनिट है, इसको ये क्या करेंगे, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ओके, या फिर कोई ओकेजन हो गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइम आ गया है, सॉमेटिव असेसमेंट का टाइम आ गया है, या फिर ओकेजन आ गया, वीकली टेस्ट का टाइम आ गया है, ये स्पेशल सिचुएशन है, इस सिचुएशन के चलते उनको क्या करना है, उनको टेस्ट क्रिएट करना है। तो ये क्या है, ये टीचर मेड टेस्ट होगा। और टीचर मेड टेस्ट ज़्यादातर आप देखोगे टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है उसी के ऊपर वो टेस्ट करते हैं, जो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी उसी के ऊपर वो क्वेश्चंस बनाएंगे और बच्चों को देंगे, सो दैट बच्चे उसका आंसर्स दे पाएंगे। ओके, तो जो यूनिट खत्म हो गया है, जो कोर्स कवर हो गया है, उसी के ऊपर ही ये क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। ओके, लेकिन जो क्वेश्चंस टीचर ने बनाया है उसको टेस्टेड नहीं किया जाता, टीचर का ही फाइनल मान दिया जाता है। ओके, और टीचर जब क्वेश्चंस बनाएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चंस बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकते हैं, ऐसे टाइप बना सकते हैं, या फिर बोथ टाइप बना सकते हैं। ओके, तो टीचर मेड टेस्ट का क्या है इंपोर्टेंस? ये बहुत ही सिंपल है, इजी वे में टीचर कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर जानना चाहते हैं कि बच्चा का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, या फिर बच्चों का नीड क्या है। और बच्चे जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि और बेहतर वो कर पाए। ओके, और एक ही बात में अगर टीचर में टेस्ट को डिफाइन करना है तो टीचर क्या करना चाहता है, स्टूडेंट ने जो पढ़ा हुआ है उसका अचीवमेंट लेवल कितना है उसको वो चेक करना चाहता है, इसीलिए टीचर मेड टेस्ट यूज किया जा रहा है। ओके, फिर जो दूसरा टाइप का है वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेनली एक्सपर्ट द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक्सपर्ट द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इतना क्वालिटी वाला है कि इसका जो रिजल्ट है हम कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे फिल्टर से ये होके गुजरा है, इसीलिए ये कंपेयर भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खास जो क्वालिटी है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का, इसी टेस्ट को हम एट ए टाइम में सभी बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, सभी बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन टीचर मेड टेस्ट में क्या होता था, टीचर मेड टेस्ट में आप जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये केवल और केवल आपके ही स्कूल के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि आपने कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कैसे लेवल के बच्चों को पढ़ाया है उसी के ऊपर मद्देनजर रखते हुए आपने क्वेश्चंस बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चंस और एक स्कूल में एज इट इज हो जाएगा या फिर लागू हो जाएगा या फिर एडमिटेड हो जाएगा, बच्चों के लिए सही हो जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ का बच्चों का IQ अलग हो सकता है, यहाँ का स्तर अलग हो सकता है, यहाँ का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो सकता है, इसीलिए ये सभी के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इतना स्टैंडर्डाइज है, इतना हाई क्वालिटी का है कि ये सभी सारे दुनिया में सारे बच्चों को एट ए टाइम भी आप क्या कर सकते हो, टेस्ट करा सकते हो, क्योंकि ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, बहुत सारे फिल्टर्स के चलते इसको टेस्ट करके ही बनाया गया है। ओके, तो कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये सबसे फेयर और ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ
एसेसिंग पीपल है। बच्चों को बेटर वे में अगर एसेस करना है तो कौन सा टेस्ट हमको यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ये एक्सपर्ट द्वारा या फिर टेस्ट स्पेशलिस्ट द्वारा ही क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ओके। और ये सबसे वाइड रेंज ऑफ कंटेंट मैटर को इंक्लूड करता है। इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करता है और ये सबसे रिलेबल और वैलिड है। हम जब आगे चल के पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट, वहाँ पर रिलेबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, हम जानेंगे। रिलेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कंसिस्टेंट है, फ्लक्चुएट नहीं होता, वो रिलेबल है। और वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी का मतलब जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे उसी को ही टेस्ट कर रहा है, तो ये वैलिड है। तो वैलिड भी और रिलेबल भी ये होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ओके। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट के चलते हम नेशनल लेवल का एग्जाम कर पाते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है, सभी बच्चों को रेंज में ले के ही इसको बनाया गया है, बहुत सारे फिल्टर के ऊपर इसको उतारा गया है, तो इसी के चलते ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम सारे भारत में भी हम एग्जाम करा सकते हैं। होता है ना जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई पर्टिकुलर स्कूल का एक टीचर नहीं है, इसको बनाने वाले एक्सपर्ट है, ओके। एक्सपर्ट ने बनाया है बहुत सारे फिल्टर्स के चलते, रिलायबिलिटी टेस्ट किया है, बहुत सारे टेस्ट करके ही इसको निकाला हुआ है, इसीलिए ये सबसे बेहतरीन है, इसको हम नेशनल लेवल में भी यूज कर सकते हैं, ओके। फिर है ऐसे टाइप टेस्ट, ये क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे टाइप में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चंस को अपनी मेंटल पावर्स के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइप टेस्ट में बच्चों को ज्यादा स्कोप मिलता है, ताकि वो अपनी अंदर छुपी जो प्रतिभा है उसको एक्सपांड कर सके, एक्सप्रेस कर सके, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को निखार सके, या फिर क्रिएटिविटी को फोस्टर कर पाए, ये ऐसे टेस्ट में होता है। ये कहना है राइटस्टोन का, ओके, राइटस्टोन का। तो इसका टाइप वगैरह क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका दो टाइप होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप और दूसरा होता है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप। यहाँ पे वार्ड से ही पता चला, रेस्ट्रिक्टेड माने बहुत सारे लिमिटेशन से हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और एक्सटेंडेड माने रेस्ट्रिक्शन से परे है, यानी कि बेटर वे में बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा। तो क्या है रेस्ट्रिक्टेड, क्या है एक्सटेंडेड उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड माना बहुत सारे चीज़ों में हम उसको लिमिट कर रहे हैं, जैसे साइज में लिमिट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर में इसको लिमिट कर रहे हैं। साइज का मतलब हमने वर्ड लिमिट दे दिया, 50 वर्ड में आपको करना है। ये भी एक्सपेक्टेड आंसर मतलब इसको भी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने कहा कि 3 लाइन में लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, 3 बातें बताओ, ये क्या है, हमने इसको एक्सपेक्टेड आंसर को भी क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। तो इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप, लंबा तो हो रहा है लेकिन उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया है वर्ड के द्वारा या फिर सेंटेंस के द्वारा, ओके। तो इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, राइट इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है व्हाई इज मर्क्यूरी प्रिफर इन थर्मोमीटर्स, गिव थ्री रीजंस। यहाँ पर देखो ये वर्ड लिमिट हो गया, ये सेंटेंस लिमिट हो गया। तो ये क्या है, ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस को लिमिट करने की कोशिश कर ले, लॉन्ग टाइप आंसर्स को हम लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो रेस्ट्रिक्शंस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये वेल स्ट्रक्चर होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ओके। फिर दूसरे टाइप का जो है वो है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक्सटेंडेड से इसको पता चल रहा है कि बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चंस को ज्यादा बेटर एक्सपांड करके लिख पाएगा, यानी कि यहाँ पर फ्रीडम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेस्ट्रिक्शंस वन, ओके। तो फ्रीडम के चलते बच्चे यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, बच्चे ज्यादातर खुद को ज्यादा बेहतर वे में एक्सपांड कर पा रहे हैं, खुद के आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, या फिर वेरियस आइडियाज को बेटर वे में इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, यही है फ्रीडम का रियल मतलब, ओके। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टुडे इंडिया नीड्स आइडियलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, खुद जस्टिफाई करना है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, 50 वर्ड्स का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, 3 लाइंस में लिखना है या फिर 3 पॉइंट्स लिखना है, ऐसे करके सेंटेंस का भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसको ऐसे आप कह सकते हो कि ये ओपन एंडेड है या फिर एक्सटेंडेड
क्वेश्चंस है। ओके, तो इसका मेरिट क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली क्वालिटेटिव ही होते हैं, बच्चे अपने आप को बेटर यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसी के चलते बच्चे ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बेहतर वे में रिकॉल कर पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, इंटरप्रिट कर पाएंगे या फिर एनालाइज कर पाएंगे, ये सारे काम होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर इसके साथ साथ इसका जो बड़ा एडवांटेज है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर एक बेटर स्टडी हैबिट क्रिएट होगा, बेटर स्टडी हैबिट क्रिएट होगा। ये एप्लीकेबल है सभी स्कूल सब्जेक्ट के ऊपर, सभी स्कूल सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, ऐसे टाइप तो रहते ही रहते हैं। ये इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, एडमिश्योर भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे हो तो ये वेरी डिफिकल्ट है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपने कह दिया पलासी का युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में वर्णन करो, देखो कैसे इजी क्वेश्चंस हो रहा है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में पलासी का युद्ध कब हुआ था, पलासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पलासी का युद्ध को अमका ने क्या कहा है, ये क्या है, ये सारे के सारे ज़्यादा लेंथी हो रहे हैं, ये इजीएस्ट हो रहा है। एक ही क्वेश्चंस में आप एक सारे यूनिट को भी सम अप कर सकते हो। ओके, ये बच्चों को लिबर्टी देता है ताकि वो बेटर वे में रेस्पॉन्ड कर पाए या फिर उनके जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उसको ये एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है लॉन्ग क्वेश्चंस वहाँ पर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को बेटर वे में डिस्क्राइब कर पाते हैं, उतार पाते हैं। ओके, यहाँ पर देखो एलिमिनेट करेगा ये गेसिंग फैक्टर को, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर कुछ कुछ बच्चे पढ़ के नहीं आते लेकिन गैस करके भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन से आपको बस टिक ही मारना है, जस्ट आइडिया लगाया, टिक मार दिया, टिक मार दिया, टिक मार दिया, ऐसे करके भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गैस करके आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइप है, आपको बेटर नॉलेज है तब आप लिख पाओगे, अन्यथा आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इसका डिमेरिट क्या है, इसका डिमेरिट है ये लिमिटेड कंटेंट को सैम्पलिंग कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स वाला हो सकता है, 15 मार्क्स वाला, 20 मार्क्स वाला हो सकता है, तो एक ही क्वेश्चन में 10 मार्क्स आ रही है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो 10 क्वेश्चन आते यहाँ पर, 15 क्वेश्चन आते यहाँ पर, 20 क्वेश्चन आते यहाँ पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम ले सकते थे। लेकिन ये क्या होगा, एक ही यूनिट का एक छोटा सा क्वेश्चन से 10 मार्क्स हो रहे हैं, तो ये लिमिटेड कंटेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आता है, क्योंकि जो बच्चे जितना हिसाब से लिखेंगे सब्जेक्टिविटी के आकार पे आपको स्कोरिंग करना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी रहता है, कोई भी करेक्शंस करेगा तो उत्तर अगर बच्चे ने राइट दिया है तो एक ही मार्क्स उनको दिया जाएगा, या फिर जितना वेटेज दिया गया है उतना मार्क फुल्ली वो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आएगा, आपको पसंद नहीं लग रहा है आप 3 मार्क्स दे रहे, किसी को थोड़ा पसंद लग रहा है 5 मार्क्स दे रहे, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है 1 मार्क दे रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी को ये बता रहा है। ओके, और ये एक्सट्रेनियस फैक्टर जैसे कि हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, नीटनेस, लेंथ ऑफ द राइटिंग, ये सारे कुछ के द्वारा ये प्रभावित हो जाता है। ओके, यहाँ पर हालो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट भी देखने को मिलता है। हालो इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो प्रीवियस इंप्रेशंस है उसी के चलते भी आपका कितना बेहतर भी लिखा हुआ होगा तो प्रीवियस इंप्रेशंस अगर गलत है तो उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसको हालो इफेक्ट कह रहे हैं। या फिर एक बेटर स्टूडेंट है वो गलत लिख दिया है तो जो प्रीवियस इंप्रेशंस है ये अच्छा बच्चा है, इसको देख के वो मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे देंगे, ये हालो इफेक्ट कहा जा रहा है, ये बाइसनेस को बता रहा है। फिर उसके साथ साथ हॉर्न इफेक्ट का भी प्रभाव यहाँ पर रहेगा। हॉर्न इफेक्ट क्या है, हॉर्न इफेक्ट है इम्प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ आंसर्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का जो रिजल्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का जो रिजल्ट है उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हॉर्न इफेक्ट है। ओके, और सबसे बड़ी बात है ये है, कहीं कहीं आप पर आप देखोगे जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में वो कहीं कहीं एम्बिगियस वर्ड रहता है, उसके चलते बच्चे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रिट करते हैं और उधर उधर लिख देते हैं। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन होते ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ज्यादा लिखना पड़ता है इसलिए ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। ओके, फिर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जहां पर सब्जेक्टिविटी नहीं होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहां पर आप देखोगे आइदर ये सफले टाइप होगा या फिर रिकॉग्निशन टाइप होगा। सफले टाइप होगा यानी कि आप एक वर्ड में उसको खुद वर्ड दे के आंसर बना रहे हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक है, सपोज 2+5=- दिया गया है, बच्चे यहां पर आंसर लिखेंगे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, आंसर को यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर दूसरा जो है रिकॉग्नाइज टाइप, रिकॉग्नाइज टाइप मतलब आपको ऑप्शंस दे दिया गया होगा, आपके सामने ही उत्तर होगा, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है।
जैसे कि ये क्वेश्चंस को ले लो, 2 + 5 = 10, यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है, ओके, यहाँ पर दिया गया है 2, 5, 7 या फिर 25। तो ये क्या है, ये आपको ऑप्शंस दिया गया है, आपको राइट वाला रिकॉग्नाइज करना है, ओके। तो इसको कहा जा रहा है रिकॉग्नाइज टाइप। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि MCQ मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन, तो ये रिकॉग्नाइज टाइप है, ओके। मैचिंग टाइप भी हो सकता है, यहाँ पर कॉलम ए है, कॉलम बी है, या यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे या फिर वर्ड दिए होंगे, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए होंगे, आपको राइट से क्या करना होता है, मैच करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 + 5 है, तो यहाँ पर सपोज 5 है, 2 है, 7 है, तो आपको 7 में करना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज 1 और 1 है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे करके इसका जो राइट रेस्पॉन्स है उसको मैच करना पड़ता है। फिर ऑड मैन आउट, यहाँ पर भी उत्तर होता है लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ऑड मैन आउट, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो 2, 1, 3, 5 और 8 है, तो 8 ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड है, ये इवन है। ऑड मैन आउट, यहाँ पर उत्तर है, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है। ट्रू फॉल्स भी वैसा ही है, स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा गया है, आइदर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, ओके। आपको एक को चूज करना है। ये क्या है, ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज टाइप है, तो आइदर ये सप्लाई टाइप हो सकता है या फिर रिकॉग्नाइज टाइप हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एडवांटेज क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे ये लार्ज कंटेंट सैम्पलिंग हो सकता है, क्योंकि कम मार्क वाला है, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आने की संभावना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होगा, क्योंकि आप किसी को भी वैल्यूएशंस करने को दो, वैल्यूएशंस एक ही जैसा होगा, यहाँ पर कोई भी पर्सनल बाइसनेस नहीं आएगा या फिर सब्जेक्टिविटी नहीं आएगा, ओके। ऐसे असेसमेंट से टाइम ज़्यादा सेव होता है, ओके। यहाँ पर हालो इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है या फिर हॉर्न इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई बाइसनेस नहीं है, इसको आप स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो, ओके। और ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा, लेस टाइम टेकन। लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ऐसे टाइप में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, ओके। फिर हो गया इसका लिमिटेशन, ज्यादा बेनिफिट होने के बावजूद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कोचिंग का इफेक्ट, जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसी का एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को लेके कोचिंग वाले अपना धंधा स्टार्ट कर देते हैं, ओके। फिर दूसरा जो है इफेक्ट ऑफ गेसिंग, किसी को कुछ भी पता नहीं है, अगर आप ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर ऑप्शंस है, तो कोई कोई लोग ऑप्शंस को भी टिक मार के आ जाते हैं और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, ये क्या है, गेसिंग का इफेक्ट है, ओके। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप हरदम सुइटेबल नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में सुइटेबल है ही नहीं, कोई एक डिफिकल्ट जॉब है वहाँ पर हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सुइटेबल नहीं होगा, सभी जगह में MCQ टेस्ट सुइटेबल नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे OPSC या फिर कंपेयर करोगे UPSC, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन एग्जाम होता है, पहले तो वो क्या करता है, प्रीलिम्स करता है, प्रीलिम्स में ज़्यादातर आप देखोगे MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम होता है ये रियल आइडेंटिटी वालों को या फिर रियल पर्सनैलिटी वालों को ये क्या करेगा, चूज करेगा, उसके चलते वो क्या करते हैं, उसके चलते डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जाम होता है, वहाँ पर आपके टैलेंट पता चलेगा, आपकी क्रिएटिविटी क्या है पता चलेगा, आपका रियल नॉलेज क्या है पता चलेगा, आपके थॉट प्रोसेस वहाँ पर पता चलेगा, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव टाइप बहुत ही जरूरी है, ओके। तो सभी जगह में आप MCQ यूज कर नहीं सकते, यानी कि अनसुइटेबिलिटी। फिर है सजेस्टिव इफेक्ट भी प्रभाव पड़ जाता है, ओके। फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशंस है वो है हाई प्रिंटिंग कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ओके। हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिया जाता है, कोई कोई बच्चे बोर भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो रहा है, 100 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो 100 क्वेश्चंस कम से कम दोगे, क्योंकि आप एक एक मार्क की वेटेज दे रहे हो। अगर आप हाफ मार्क्स की वेटेज दे रहे हो तो 200 क्वेश्चंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप सोचो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है तो 10 क्वेश्चंस ही दे दिए, 10 10 हो गया, यानी कि 10 × 10 100 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या कम होगा तो कम प्रिंटिंग खर्च लगेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस है तो ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट लग रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर है तो फ्रस्ट्रेशंस आने की संभावना भी बढ़ रहा है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की कोई स्कोप नहीं है, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपको बस उत्तर ही लिखना है, चूज ही करना है, ओके। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर केवल और केवल
डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पर आपको बस चूज करना है या फिर सप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी था, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव आइडिया से क्वेश्चंस को बेटर वे में समझ के उसको एक्सपांड करके लिख पा रहे थे। ओके, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं, कोई सिचुएशंस हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पर्सन हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, उसके ऊपर स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या राय है, उसको जानने के लिए हम रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं। ओके, रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं। तो रेटिंग स्केल में क्या किया जाता है, हमारे जो ओपिनियन है, हमारे जो राय है, हम डिग्री के हिसाब से लिखते हैं। यानी कि जैसे आप यहां पर देख सकते हो, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, हाईली सैटिस्फाई, सैटिस्फाई, डिससैटिस्फाई, ये क्या है, डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। स्ट्रांगली एग्री, फिर उसके बाद एग्री, फिर उसके बाद डिसएग्री, तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। डिग्री के हिसाब से ये एक सीक्वेंस में रहता है। ओके, तो यहां पर ज्यादातर आप देखो कि और नंबर के पॉइंट स्केल यूज किया जाता है, जैसे कि 3 पॉइंट स्केल हो गया, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ओके, इवन नंबर यूज ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर मिडिल पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, और मैं कह नहीं सकता, ये क्या है, ये तीसरा है, कह नहीं सकता, ये 3 होगा तो ये क्या होगा, या इस दोनों को संतुलन प्रदान करेगा। यानी कि 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ओके, ये मिडिल पॉइंट जैसा ही है, एक मिडिल पॉइंट जैसा ही है। ओके ओके, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि एक डेफिनाइट मिडिल मेजरमेंट हमको चाहिए, मिडिल मेजरमेंट चाहिए। ओके, यस है, नो है, लेकिन यस और नो में कोई यस कहना नहीं चाहता, कोई नो कहना नहीं चाहता, तो मिडिल में कुछ तो होना चाहिए, उसको कहेंगे कांड से, कह नहीं सकते, कांड से, उसको पता भी नहीं है या फिर पता नहीं भी नहीं है। ओके, ये दोनों के बीच में खड़ा है, दोनों का बीच का हो गया कांड से। ओके, तो इसीलिए 3 तरह के हो सकते हैं, 5 तरह के, 7 तरह के हो सकते हैं, यानी कि और नंबर हो सकते हैं। ओके, तो कितने टाइप के स्केल होते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। 2 स्केल होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है ग्राफिकल। न्यूमेरिकल का मतलब अगर आप रेटिंग स्केल को नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो हो गया न्यूमेरिकल, नंबर के द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, बाकी जो सब रूल वगैरह है वो सारे के सारे होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आ रहे थे उस शब्द को आपने नंबर से कोट कर दिया। ओके, जैसे कि मोस्ट प्लीजेंट हो गया 9, एक्सट्रीमली प्लीजेंट हो गया 8, ऐसे करके दिया गया है। ओके, फिर ग्राफिक स्केल क्या है, ग्राफिक स्केल में आप ज्यादातर देखोगे कि एक ग्राफिकल लाइन होता है, और उसी लाइन में हम क्या करते हैं, स्केल को दिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज ऐसे करके स्केल है, तो यहाँ पर हम एवरेज दिखाएंगे, यहाँ पर हाई और दिखाएंगे, या फिर यहाँ पर लोअर दिखाएंगे। ये एवरेज पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, ये मिडिल पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। ओके, इसको लिख दो एवरेज, ये हो गया गुड, ये हो गया बेस्ट। ओके, ये हो गया बिलो एवरेज, और ये हो गया वर्स्ट। ओके, ये क्या है, देखो 5 टाइप का हो गया, तो ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला हरदम रहता है रेटिंग स्केल में। ओके, तो ये देखो भाई एग्जांपल भी दिया गया है, नॉर्मल बीच में है, इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, बिलो नॉर्मल, और नॉट इफेक्टिव। ओके, तो क्या है लिमिटेशन रेटिंग स्केल के, उसका भी थोड़ा जान लेते हैं। एरर ऑफ लेनियंसी होता है, एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एरर ऑफ हेलो इफेक्ट, लॉजिकल एरर, कॉन्ट्रेस्ट एरर, ये सारे के सारे इसका लिमिटेशन है। लेनियंस का मतलब हो गया, कोई कोई ऐसे प्रो वाले होते हैं जो हाई लेवल का रेट देते हैं या फिर लो लेवल का रेट देते हैं। चलो मेरे दोस्त का है ये सर्वे, तो रेट दे देते हैं सभी को, हाई कर दो, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये लेनियंस है। ओके, ये लेनियंस है, ये भी क्या है, रेटिंग स्केल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी का भी एरर ज्यादा आता है, यहाँ पर कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो हेजिटेट होते हैं एक्सट्रीम स्कोर देने के लिए। रेटिंग स्केल दिया है हाईएस्ट 10 को दिया है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं 10 कैसे दे देंगे, कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा, ये क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का एरर को बता रहा है। ओके, फिर हालो इफेक्ट तो हमने पढ़ा, हालो इफेक्ट यानी कि प्रीवियस नॉलेज अगर आपके दिमाग में फिट है तो उसी के चलते आप बच्चे को जज कर रहे हो, ये हो गया हालो इफेक्ट। ओके, यहाँ पर भी हालो इफेक्ट का इम्पेक्ट रहता है। फिर हो गया लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर का भी इम्पेक्ट रहता है स्केल के ऊपर। ओके, फिर कॉन्ट्रास्ट एरर, आप कॉन्ट्रास्ट एरर में ज्यादातर देखोगे जो ओपोजिट डायरेक्शंस वाले थॉट प्रोसेस वाले होंगे
वो क्या करेंगे, वो रेटिंग को उल्टा भी कर सकते हैं, उसका भी इफेक्ट रहता है। सपोज कोई कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में रिसर्च कर रहा है और आप उस थॉट प्रोसेस से भिन्न मत रखते हो, तो क्या करोगे आप, उल्टा ही उसको क्या करोगे, रेटिंग दे दोगे। उसके चलते क्या होगा, रेटिंग का बहुत ही बुरी हालत हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट एरर का भी इम्पेक्ट यहाँ पर रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल हो गया क्वेश्चनेयर। ओके, तो क्वेश्चनेयर को कॉल कैसे डिफाइन करते हैं? क्वेश्चनेयर एक डिवाइस है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं, जिसके चलते हम क्या करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ओके, यही है क्वेश्चनेयर। इसका डायरेक्ट कोड भी क्वेश्चंस आ जाता है, कोड को भी अच्छे से याद करना है। ओके, तो क्वेश्चनेयर्स एक कॉमन टूल है जो कि बहुत सारे बंदों के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि कोई टीचर्स है, फिर यह सिचुएशंस में उसको क्या करना है, उसको इन्फॉर्मेशंस लेना है, या फिर कुछ कंडीशंस के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशंस लेना है, कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना है, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर का यूज करेंगे। ओके, तो टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर भी थोड़ा दे लेते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर होते हैं, नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो डेफिनाइट होता है, कॉन्क्रीट होता है, डायरेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर में क्या होता है, कोई भी डायरेक्टिव नहीं होता, या फिर इंटरव्यू में जैसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वैसा ही होता है नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में। ओके, फिर कोई कोई कहते हैं कि क्वेश्चनेयर ओपन एंडेड भी हो सकते हैं या फिर क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हो। ओके, अगर हम क्वेश्चनेयर में येस नो टाइप करके या फिर करेक्ट इनकरेक्ट लेके हम रेस्पोंडेंट को अगर क्वेश्चंस दे रहे हैं तो ये हो गया क्लोज टाइप क्वेश्चंस। उसको एक दोनों में ही उत्तर देना पड़ेगा, ये दोनों में ही कुछ एक को उत्तर देना पड़ेगा, यानी कि हमने लिमिट कर दिया, यानी कि ये क्लोज टाइप ऑफ क्वेश्चनर है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं। अगर आपको आंसर्स नहीं दिया गया है और ऐसे ढंग से क्वेश्चंस पूछा गया है कि आप खुद के हिसाब से जवाब दे सकते हो, इसी को ही कहा जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, जब आपने पहली बार ये देखा था तो कैसा लगा था, ऐसे करके डैश करके क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो लगा था आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हो, एक लाइन में बता रहे हो। ओके, तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, फिर एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर के क्या क्या एडवांटेज है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये क्या है, बेहतर वे में गैदर कर सकता है इन्फॉर्मेशंस को, स्टैंडर्डाइज वे में इसको गैदर कर सकता है। ओके, क्वेश्चनेयर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा क्या यूज करते हैं, हम ज़्यादातर क्लोज्ड क्वेश्चंस यूज करते हैं या फिर MCQ जैसे क्वेश्चंस यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चनेयर के चलते हम बहुत ही जल्द क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्शंस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो क्वेश्चनेयर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल है। ओके, तो इसका लिमिटेशंस क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये इजी नहीं है बच्चों के लिए या फिर इलिटरेट के लिए, क्योंकि आपने क्वेश्चंस बना बनाया रख दिया है, उसको ही आप लोगों को दे रहे हो, वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी के आधार पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन बच्चों को दोगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्वेश्चनेयर दोगे तो वो आंसर कर ही नहीं पाएगा। ओके, फिर दूसरा जो लिमिट है, रेस्पोंडेंट एग्री भी नहीं हो सकता कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ लिखन में। फिर क्वेश्चनेयर बनाना एक बहुत ही बड़े चैलेंजिंग टास्क है। ओके, बहुत ही बड़े चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको बेटर वे में क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चंस जो भी हो, कोई कोई रेस्पोंडेंट ऐसे भी होते हैं वो अपने आप से या फिर अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो इंटरप्रिट करते हैं। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम है, हम जो मेजर करना चाहते हैं वो मेजर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ओके, और ये जो क्वेश्चनेयर है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा इफेक्ट भी होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो टूल हो गया वो हो गया ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वह प्रोसेस है जहाँ पर एक को या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को हम ऑब्जर्व करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके,
ये ज़्यादातर ओवर्ट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके ऑब्जर्व करते हैं, और जो हमने ऑब्जर्व किया है उसको लैंग्वेज के द्वारा, मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ऑब्जर्वेशंस दो प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। तो पार्टिसिपेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर है वो, जिस ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा है उसी में खुद एक मेंबर है, ओके इसको ही कहा जा रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। यू आर ए पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप एंड यू आर नाउ ऑब्जर्विंग दैट ग्रुप मेंबर्स, ओके उसी ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके तो ये बहुत ही ऑथेंटिक हो जाता है, रिलेबल हो जाता है, क्योंकि आप खुद वहाँ पर इन्वॉल्व हो और प्रोसेस को देख रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रियल टाइम में आप क्या करोगे, रियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, इसीलिए ये ज़्यादा रिलेबल है, ओके ज़्यादा रिलेबल है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर वहाँ पर इन्वॉल्व है तो वो बेटर वे में ऑब्जर्व भी कर सकता है, बेटर फीडबैक भी ले आ सकता है, ओके तो ये भी बहुत ही एडवांटेज है इसका, ओके। फिर दूसरे टाइप का जो है वो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ही इज नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप, उसी ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है और ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है, माना ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है, ओके और ये मेथड को कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, ओके। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस ज़्यादातर आप देखोगे अगर हम किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे, किसी पर्सनस को या फिर किसी ग्रुप के बिहेवियर को बेटर वे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, उसी ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे हो, तो बेटर वे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आने की संभावना ज्यादा है, ओके। तो क्योंकि आप वहां पर पार्टिसिपेंट नहीं हो, तो ये ऑन ऑब्स्ट्रूसिव मेथड्स है, ऑन ऑब्स्ट्रूसिव मेथड है, आप ऑब्स्ट्रूज नहीं कर रहे हो, आप हडल नहीं बन रहे हो वहां पर, ओके। तो इसका क्या है एडवांटेज, इसको भी देख लेते हैं, ओके ये ज़्यादा रिलेबल है, ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा रिलेबल है, क्योंकि ऑब्जर्व करके आप देख के आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा रिलेबल है, ओके ये नेचुरल सेटिंग में किया जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ओके आप ऑब्जर्वेशन किसी भी एज ग्रुप को कर सकते हो, ये भी सबसे बड़ी एडवांटेज है, ये सबसे कम एक्सपेंस में हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रुप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है, ओके। अगर हम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूअस मॉनिटोरिंग के द्वारा उसका प्रोग्रेस भी जान सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है, ओके तो दो टाइप के जो हमने पढ़ा, एक हो गया पार्टिसिपेंट, एक हो गया नॉन पार्टिसिपेंट। कुछ कुछ बुक्स में आपको मिलेगा क्वासी पार्टिसिपेंट भी मिल सकता है, क्योंकि एक एक सिचुएशन ऐसा भी होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला या फिर ऑब्जर्वर ये पार्टिसिपेंट होके भी ऑब्जर्वेशंस के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये नॉन पार्टिसिपेंट के हिसाब से भी कुछ कुछ सिचुएशंस में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेंट भी कभी बन रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट भी कभी बन रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, ओके। फिर इसका लिमिटेशंस क्या है वो दे लेते हैं, ओके यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस आने की संभावना ज़्यादा है, प्रिजुडिस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्ति जो दिख रहा है उसी के द्वारा ही इंटरप्रिट होगा, तो इंटरप्रिटेशंस के चलते सब्जेक्टिविटी भी आएगा और ये प्रिजुडिस या फिर बाइसनेस भी देखने को मिल सकता है, ओके यहाँ पर हथौर्न इफेक्ट भी आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑब्जर्वेशंस को हम 100% एक्यूरेट कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे इंद्रियों का बहुत सारा लिमिटेशंस भी रहता है, उस लिमिटेशंस के चलते हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो हम 100% एक्यूरेट है ऐसे कह ही नहीं सकते, ओके। कुछ कुछ टाइम बच्चों का ऐसे बिहेवियर दिखाई देता है जो बिहेवियर यूजुअल नहीं होते, नेचुरल नहीं होते, हम कह ही नहीं सकते कि जो व्यवहार अभी बच्चा दिखा रहा है वो उसका परमानेंट बिहेवियर है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस में या फिर कोई डिसऑर्डर के चलते या फिर कोई मूड स्विंग के चलते वो बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन वो बिहेवियर नॉर्मली वो दिखाता नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में भी डिफेक्ट आने की संभावना है, ओके। फिर नेक्स्ट है इंटरव्यू, ओके इंटरव्यू द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस के द्वारा या फिर कॉन्वर्सेशंस के द्वारा फेस टू फेस सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं,
हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहा जा रहा है इंटरव्यू, इसी प्रक्रिया को कहा जा रहा है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप फेस टू फेस ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी, अभी स्काइप जो आया है इसके द्वारा भी ले सकते हो, या फिर इंटरनेट के द्वारा भी, बहुत सारे टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस के द्वारा भी आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। ओके, तो इंटरव्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मतलब क्वेश्चंस पहले फिक्स्ड होता है, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस आपने पहले डिटरमाइन कर दिया, उसी को बेस करके ही आप क्वेश्चंस पूछोगे, और जो क्वेश्चंस पूछना है उसका एक सीरियल ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर से आप पूछोगे, इधर उधर करोगे ही नहीं। ये हो गया स्ट्रक्चर इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ओके, लेकिन ऑन स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस तो फिक्स्ड है, लेकिन कौन सा क्वेश्चंस पहले पूछना है, कौन सा क्वेश्चंस दूसरा पूछना है, ये डिपेंड करेगा जो इंटरव्यू ले रहा है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चंस कब पूछना है। ओके, यहाँ पर कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है या फिर कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इसके बाद यही क्वेश्चंस ही पूछना है, ऐसे इंटरव्यू को कहा जा रहा है ऑन स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ओके, फिर हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या है, टीचर ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को बेटर जानने के लिए या फिर बच्चों के नॉलेज लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं, असाइनमेंट के रूप में देते हैं, ताकि बच्चों के अंतर्निहित लब्ध ज्ञान या फिर अंडरस्टैंडिंग को जाना जा सके। ओके, तो असाइनमेंट क्लास अप्रोप्रिएट होना चाहिए या फिर बच्चों के नॉलेज के आधार पे, बच्चों के लेवल के आधार पे असाइनमेंट होना चाहिए। ओके, ज्यादातर ऐसे कहा जाता है कि जो फर्स्ट क्लास होते हैं या फिर सेकेंड क्लास स्टूडेंट होते हैं उनको हैंड ऑन एक्टिविटीज ज्यादा असाइनमेंट के रूप में देना चाहिए। ओके, फिर असाइनमेंट का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि बच्चे इतना टाइम में असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करे। ओके, और असाइनमेंट के चलते हम क्या कर पाते हैं, स्टूडेंट्स का प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग लेवल क्या है, असाइनमेंट के द्वारा हम जान पाते हैं। ओके, कुछ कुछ असाइनमेंट जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं वहाँ पर हम बच्चों के लर्निंग स्टाइल क्या है, उनका प्रोग्रेस क्या है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनका थिंकिंग लेवल क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग वो किस लेवल पे कर पा रहे हैं उसका भी पता कर पाते हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बच्चों के थिंकिंग को बियॉन्ड क्लासरूम ले जाने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो वेरियस स्किल है, बिहेवियर है, इनक्विजिटिवनेस है, कॉन्फिडेंस है, इसको डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको सेव देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू प्रोजेक्ट वर्क। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए बच्चों को ऐसे लर्निंग एनवायरमेंट देना चाहिए जिसके द्वारा स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चंस पूछ सके, एनालाइज कर पाए, बेटर वे में इवैल्यूएट कर पाए, हायर ऑर्डर थिंकिंग कर पाए। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए बच्चों के अंदर स्किल ऑफ कोलैबोरेशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बहुत सारे स्किल के चलते वो बेटर वे में प्रोजेक्ट कर पाते हैं। ओके, पोर्टफोलियो, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। पोर्टफोलियो एक पर्पसफुल सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ क्या है, सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंटल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट है। स्टूडेंट के लाइफ में जो जो मेमोरेबल इवेंट है या फिर प्रोडक्टिव इवेंट है जो कि बच्चे का लाइफ का एसेट बन सकता है, ऐसे घटनाओं को, ऐसे इवेंट को पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या आप लिख सकते हो, आप वो कितना असाइनमेंट कंप्लीट कर पा रहा है, कैसे कर रहा है, उसको आप लिख सकते हो। कोई अगर बच्चा ने जर्नल राइटिंग किया है तो उसको लिख सकते हो, क्योंकि ये उसका टैलेंट है। ओके, कोई कोई डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट करके कुछ बेटर आइडियाज दिया हुआ है तो उसको आप लिख सकते हो, या फिर उसने कुछ फोटोज निकाले हैं या फिर बेटर स्केच किए हैं, अदर विजुअल आर्ट्स के ऊपर कुछ काम किया है तो उसको भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। ओके, कुछ अच्छा चीज उसने सीखा है तो उसका भी समरी स्टेटमेंट वहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर कुछ सेल्फ असेसमेंट स्टेटमेंट भी आप वहाँ पर डाल सकते हो। ओके, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो पहला है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ग्रोथ पोर्टफोलियो में उसका ग्रोथ के बारे में लिखा जाएगा, यानी कि
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका कैसा ग्रोथ हो रहा है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी आप लिख सकते हो। ओके, ग्रोथ के चलते अगर उसमें कुछ स्किल डेवलप हो रहा है, जैसे कि फिजिकल स्किल हो गया ग्रोथ के चलते, या फिर मेंटल स्किल हो गया, या फिर कोई भी स्किल अगर वो एक्वायर कर रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हो। ओके, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेसेस को आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर उसका डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ओके, कुछ कुछ होता है शोकेस पोर्टफोलियो। यहाँ पर शोकेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कुछ कुछ क्वालिटीज़ को, उसका कुछ कुछ अचीवमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि ईयर एंड में, या फिर सेमिस्टर में, या फिर ट्राई सेमिस्टर में जब उसके पिता माता आते हैं, हम क्या करते हैं उनको क्या करते हैं, बच्चों का जो बेस्ट वर्क है उसको हम यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, और हम उनको दिखाते हैं, उन पेरेंट्स को दिखाते हैं, ताकि वो बेटर वे में जान पाए कि उनका बच्चा क्या क्या बेटर कर पा रहा है। यहाँ पर उनका फेवरेट चीज, बेस्ट चीज, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क लिखा हुआ होता है। ओके, फिर इवैल्यूएशन पोर्टफोलियोज भी कुछ कुछ होते हैं। यहाँ पर बच्चों की ज़्यादातर अचीवमेंट वगैरह दिया हुआ होता है, या फिर आप ऐसे कैसे जो एग्ज़ाम वगैरह है वहाँ पर जो ग्रेड वगैरह मिला है, यहाँ पर सारे कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, फिर बच्चे का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसी का डाटा भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ओके, फिर इसी पोर्टफोलियो में बच्चा किस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, या फिर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, या फिर लर्निंग ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या है अप्रोप्रिएट ग्रुप, इसके बारे में भी यहाँ पर डाटा मिल सकता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स के ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको भी अच्छे से जान लो। ओके, रूब्रिक एक तरह की स्कोरिंग गाइड है, या फिर असेसमेंट टूल है, जो कि क्या करता है, जो कि कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया जो होता है असेसमेंट का, वो उसी क्राइटेरिया के आधार पे बच्चों को असेसमेंट करने की आइडिया देता है। ये एक तरह की स्कोरिंग गाइड है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, स्कोरिंग गाइड है। ओके, और रूब्रिक्स के चलते ही बेटर वे में हम असेसमेंट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन में अगर आप देखोगे जो स्कूल में जा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, उनको बेटर काम करने के लिए रूब्रिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना है तो कुछ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया आपको पहले बनाना पड़ेगा, और उसी के चलते ही आपको उनका परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। सपोज मुझे मेजर करना है बच्चों की राइटिंग्स। ओके, राइटिंग्स को मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ पैरामीटर्स मैं क्रिएट कर दूंगा। ओके, सपोज मैं 10 मार्क्स का कर रहा हूँ और उसको मैंने 5 में कन्वर्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर देखो कैसे असेसमेंट के लिए ये हेल्पफुल हो रहा है। क्या बच्चा सीधे लाइन लिख पा रहा है, इसके लिए 2 मार्क्स है। क्या बच्चा क्लियर लिख पा रहा है, क्या बच्चा एरर फ्री वर्ड्स लिख पा रहा है, क्या बच्चा पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेसिंग दे रहा है, क्या बच्चा का अक्षर सुंदर है। ये क्या है, मैंने 5 पैरामीटर्स लिया है, उसी पैरामीटर्स के चलते मैं स्कोरिंग दूंगा। ओके, तो ये क्या है, तो ये रूब्रिक्स का एक मैट्रिक्स है। ऐसे करके आपको बहुत सारे मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, उसके चलते ही आप क्या कर पाओगे, बेटर वे में इवैल्यूएशंस कर पाओगे, या फिर असेसमेंट कर पाओगे। ओके, तो ये एक तरह का ग्रेडिंग टूल है, जिसको यूज करके हम बेटर वे में बच्चों को असेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये होगा तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो ये होगा तो आपका ऑब्जेक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ जाएगा, सब्जेक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और बेटर वे में आप स्टूडेंट को इम्प्रूव कर पाओगे, आपके प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाओगे, बेटर फीडबैक दे पाओगे। ओके, तो क्या है एडवांटेज वगैरह, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो जो गोडरेज है, गोडरेज रूब्रिक्स को क्या कहते हैं, रूब्रिक्स हेल्प करता है स्टूडेंट को और टीचर्स को टू डिफाइन क्वालिटी, बेटर क्वालिटी अगर आपको निकालना है तो कौन हेल्प करेगा, रूब्रिक्स हेल्प करेगा। जैसे कि हम राइटिंग को देख रहे थे, स्टूडेंट के राइटिंग कितना बेहतर है, कितना क्वालिटी वाला है, उसको जानने के लिए हम क्या कर रहे थे, रूब्रिक्स का यूज कर रहे थे।
अगर स्टूडेंट की बात करें, अगर वो रूब्रिक्स यूज कर रहा है रेगुलर बेसिस में खुद को जज करने के लिए, खुद के वर्क को जज करने के लिए, तो वो अपने आप को बेटर वे में चेक कर पाता है, बेटर वे में खुद को इम्प्रूव कर पाता है। ओके, तो रूब्रिक्स के चलते टीचर का टाइम रिड्यूस हो जाता है। ओके, रूब्रिक्स के चलते हम बेटर ग्रेड दे पाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को इम्प्रूव कर पाते हैं। कोई पैरामीटर रह रहा है, कौन सा पैरामीटर में बच्चे गलती कर रहे हैं, इसको भी हम जान पाते हैं। ओके, और पेरेंट्स भी रूब्रिक्स के कॉन्सेप्ट को बेहतर से समझ पाते हैं कि जो हमने पैरामीटर बनाया है उसी पैरामीटर के हिसाब से बच्चे कहां पर वीक है, कहां पर स्ट्रांग है, वो भी अच्छे से जान पाते हैं। ओके, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट। इसके ऊपर तो 3-4 क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कितना वो कंसिस्टेंट है, एक ही रेस्पॉन्स को क्या वो बार बार दे पा रहा है, यही है रिलायबिलिटी। अगर सपोज 2+2 वो हरदम 4 ही बता रहा है तो वो रिलायबल है। ओके, फिर होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस, यानी कि जो काम के लिए असाइन किया गया था वही काम वो कर रहा है तो वो है ट्रूथफुलनेस या फिर वैलिडिटी। ओके, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं है, यानी फिर जहाँ पर बाइसनेस नहीं है। ओके, फिर है एक प्रैक्टिकाबिलिटी। प्रैक्टिकाबिलिटी का मतलब है एप्लीकाबिलिटी, जो एक्चुअल में एप्लीकेबल है उसको कहा जा रहा है प्रैक्टिकाबिलिटी। ओके, और लास्ट जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि एरिया ऑफ यूज, कितना हमें वास्ट एरिया में यूज कर पा रहे हैं, यही है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। लेकिन आपके कोर्स में ये पांचों नहीं है। ओके, आपके कोर्स में रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है और आइटम एनालिसिस एक प्रोसेस है। 3 प्रोसेस ज़्यादातर दिया गया है SSB के सिलेबस में, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसको देख लेंगे। ओके, लेकिन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डीप लेवल में देखेंगे। ओके, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्या है रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर जो आंसर आ रहा है वो कंसिस्टेंट है तो हम कहेंगे ये रिलायबल है। सपोज हम 1+5 पूछ रहे हैं, बच्चा हमेशा 6 ही दे रहा है, यानी कि एक ही उत्तर को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम आंसर को क्या कहेंगे? ये कंसिस्टेंट है, यानी कि ये रिलायबिलिटी को सूचित कर रहा है। तो ये शब्द को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस शब्द को दे के भी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू, ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे देता है। इसका कई नाम है, इसको भी अच्छे से याद करना है। डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टाबिलिटी, एक्यूरेसी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादातर आता है या फिर कंसिस्टेंसी ज़्यादातर आता है, ये दोनों को अच्छे से याद कर लो। ओके, ओके, तो फ्रिक्वेंटली यूज डिफरेंट सिचुएशंस में, अगर एक ही रिजल्ट दे रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, यानी कि रिलायबल है। ओके, तो रिलायबल टेस्ट क्या करता है? एक स्टेबल मेजरमेंट देता है, एक डिपेंडेबल मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ओके, तो क्या है क्राइटेरिया गो टू का, वो भी देख लेते हैं। रिलायबल ज्यादातर आप देखोगे नेसेसरी तो है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है वैलिडिटी के लिए, क्योंकि कुछ चीजें रिलायबल होता है लेकिन वैलिड नहीं भी होता है। कुछ चीजें रिलायबल होता है, वैलिड नहीं भी होता है। सपोज आप घड़ी को देख रहे हो, वो 2 बज रहा है। आप जब भी देख रहे हो वो 2 बज रहा है, तो क्या है? एक ही आंसर्स वो दे रहा है, हर दम दे रहा है, तो ये क्या है? ये कंसिस्टेंसी को बता रहा है, तो ये क्या है? ये रिलायबल है, लेकिन क्या ये वैलिड है? आप क्या कर रहे हो? आप रात के 10 बजे भी देख रहे हो तो 2 बज रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। तो क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि रिलायबिलिटी नेसेसरी तो है एक गुड टूल का, लेकिन सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है वैलिडिटी के लिए। आगे चल के जब वैलिडिटी पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कैसा गहरा संबंध है वो भी जानेंगे। ओके, ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल। उल्टा आप देखोगे, अगर एक टेस्ट वैलिड होगा तो वो रिलायबल
होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रिलेबल है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे, तो वो वैलिड होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ओके, ज़रूरी नहीं है। इसको घुमा घुमा के बहुत बार क्वेश्चंस देता है, नेट में तो कई बार आया है, एसएसबी में भी दो बार आ चुका है, घुमा घुमा के देता है, आपका दिमाग घूम जाता है, भूल करके आते हो। अच्छे से इसको समझना है और अच्छे करके आना है, ओके। तो कौन सा बड़ा हो गया? वैलिडिटी बड़ा हो गया, रिलेबल छोटा हो गया, रिलेबिलिटी छोटा हो गया, ओके। ये सबसे फॉरमोस्ट कंडीशन है वैलिडिटी, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ओके। और रिलेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल है, आगे चल के हम देखेंगे, ओके। रिलेबिलिटी ज़्यादातर को रिलेशंस के द्वारा चेक किया जाता है, को रिलेशंस के द्वारा। और कौन से को रिलेशंस? रिलेबिलिटी को इफिशियंट के द्वारा आप उसको जान पाओगे, ओके। तो सीन क्या कहते हैं? सीन कहते हैं तीन तरह के मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम रिलेबिलिटी को चेक कर पाते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स या फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रिलेबिलिटी चेक करने की मेथड कौन सी है, ऐसे करके भी एक बार क्वेश्चंस आया हुआ है, टेस्ट रीटेस्ट का क्वेश्चंस आया था, ओके। तो टेस्ट रीटेस्ट क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, रीटेस्ट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, रीटेस्ट किया जाएगा, यानी कि क्या किया जा रहा है? पहले एक ग्रुप लिया गया है, उसके ऊपर टेस्ट किया गया, ओके, कुछ दिन के बाद फिर उसके ऊपर रीटेस्ट किया गया, ओके। जो क्वेश्चंस दिया गया था वही क्वेश्चंस फिर दिया गया, ओके, और उसी का दोनों का रिजल्ट को कोरिलेट किया गया, यानी कि कोरिलेशंस निकाला गया। अगर कोरिलेशंस बहुत ही हाई है तो इसी टेस्ट को कहा जाता है रिलेबल टेस्ट, रिलेबल टेस्ट, ओके। ज़्यादातर आप देखोगे जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस निकलेगा ये +0.5 हो जाता है, +0.5 हो जाता है, तभी हम कहेंगे ये रिलेबल है। और इसको जानने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस या फिर पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशंस, ओके। जो टाइम गैप दिया जा रहा है वो 15 दिन से 6 महीने के बीच होना चाहिए। 15 दिन से कम आप नहीं कर सकते, 6 महीने से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। 15 दिन से कम में करोगे तो ये मेमोरी इफेक्ट हो सकता है, बच्चा पहले क्वेश्चंस अटेंड किया हुआ है तो मेमोरी में वो रह जाएगा, तो वो फिर दूसरे में अच्छा कर देगा, इसीलिए 15 दिन के बाद करते हैं, ये 6 महीने के बाद आप कर नहीं सकते, क्योंकि 6 महीने के बाद मैच्योरिटी इफेक्ट आ जाने की संभावना है, ओके। तो ये है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, ओके, और ये है इसका फॉर्मूला, ओके। इसको हम ज़्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो मैथमेटिकल पोर्शंस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ओके। और ये कार्ल पियर्सन्स का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ओके, और इसका फॉर्मूला है ये, ओके। इसके द्वारा ही हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक अलग मैं एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप बेटर इसको समझ पाए, ओके। फिर हो क्या इसका लिमिटेशंस वगैरह क्या क्या है, ओके। टेस्ट रीटेस्ट मेथड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है रिमेम्बरेंस इफेक्ट, क्योंकि आप पहले टेस्ट कर रहे हो फिर बाद में रीटेस्ट कर रहे हो, वही क्वेश्चंस दे रहे हो, यानी कि बच्चा अगर वो क्वेश्चंस को रिमेम्बर कर लिया तो यहाँ पर बेटर स्कोर ले आएगा और ये रिलेबल नहीं होगा, इसीलिए रिमेम्बरेंस का इफेक्ट रहता है, ओके। ज़्यादातर देखा गया है कि जो पहला टेस्ट होता है यहाँ पर बच्चे का कम मार्क्स होता है और दूसरे में इसका मार्क्स बढ़ जाता है, यूजुअली हाई हो जाता है, ओके। फिर होता है टाइम गैप, आप कितना दे रहे हो उसका भी इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा टाइम गैप दे दिया तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और ज़्यादा बेहतर उत्तर कर देते हैं, कम टाइम गैप दिया तो बच्चे रिमेम्बर कर देते हैं और बेटर कर देते हैं। तो टाइम गैप कितना देना है उसका एक्यूरेट आइडिया होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, ओके। और ये फ्री फ्रॉम बायसनेस नहीं है, फ्री फ्रॉम एरर्स तो बिल्कुल ही नहीं है, कभी मेमोरी का इफेक्ट पड़ रहा है, कभी करियर वर्क का इफेक्ट पड़ रहा है, कभी प्रैक्टिस का इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे करके बहुत सारे टेक्निक्स है जिसका इफेक्ट पड़ता है इसी मेथड में, ओके। फिर जो दूसरा टाइप का मेथड है वो है पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी, ओके। क्यों पैरेलल फॉर्म है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट रीटेस्ट का मेथड था वहाँ पर जो इफेक्ट आ रहे थे, वेरियस प्रभाव जो आ रहा था मेमोरी का, कैरी ओवर का, प्रैक्टिसेस का, उसको हम रिड्यूस करने के चक्कर में और एक सिस्टम निकाल रहे हैं, वो है पैरेलल फॉर्म, ओके। पैरेलल फॉर्म यहाँ पर टू पैरेलल टेस्ट दिया जाता है, टू पैरेलल
पैरेलल टेस्ट, ओके। और यहाँ पर पैरेलल टेस्ट का मतलब क्या है, एक जैसा टेस्ट है लेकिन एक टेस्ट नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा था, टेस्ट रीटेस्ट में जो टेस्ट किया जा रहा था, जो रीटेस्ट किया जा रहा था, सेम क्वेश्चंस था, लेकिन ये पैरेलल क्वेश्चंस है। पैरेलल क्वेश्चंस का मतलब सपोज यहाँ पर हमने 2 + 5 = 7 क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 + 4 = क्वेश्चंस देंगे, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पर भी एडिशंस हो रहा है, यहाँ पर भी एडिशंस हो रहा है, कैरी ओवर का यहाँ पर एडिशंस नहीं है, कैरी ओवर का यहाँ पर एडिशंस नहीं है, ओके। सपोज ऐसे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ 10 + 19, तो वहाँ पर दूंगा, तो वहाँ पर मैं दूंगा 20 + 19, ओके। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, ये सिमिलारिटी रह रहा है क्वेश्चंस में, ज़्यादातर सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलारिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाता है, इसीलिए इसको पैरेलल फॉर्म कहा जा रहा है, ओके। यहाँ पर भी जो टाइम गैप दिया जाता है 15 दिन से 6 मंथ के बीच, ओके। और यहाँ पर भी आप स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पियर्सन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी 0.5 R आया तो ये रिलेबल है, ओके। तो इसका एडवांटेज क्या है वो भी थोड़ा दे लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट रीटेस्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा था, उस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जो कैरी ओवर का प्रॉब्लम था, मेमोरी इफेक्ट था, प्रैक्टिस का प्रॉब्लम था, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिनिमाइज, ये थोड़ा बहुत मिनिमाइज तो होता है, लेकिन कम्प्लीटली मिनिमाइज नहीं होता है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, ओके। और इसी के चलते इसका जो सक्सेसर आएगा, इसका भी लिमिटेशंस को वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, ओके। तो इसका क्या है लिमिटेशंस, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एरर नहीं है, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी मैच्योरिटी इफेक्ट आता है, यहाँ पर भी प्रैक्टिस इफेक्ट आता है। बच्चे ने अगर पहले से ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर ली तो ये क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चंस को बेटर वे में कर लेगा, ओके। हम यहाँ पर क्या कर ले, जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसके जैसा क्वेश्चंस हम कुछ दिन के बाद दे रहे हैं, 15 दिन से 6 महीने के बीच के टाइम में फिर क्वेश्चंस दे रहे, तो इसके बीच अगर बच्चा ने बेटर प्रैक्टिस कर लिया तो ये ज़्यादा मार्क्स ले आएगा और हमारा रिलायबिलिटी टेस्ट फेल हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए प्रैक्टिस का भी इफेक्ट रहता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, अगर आप दो तरह के क्वेश्चंस बना रहे हो तो क्वेश्चंस बनाने में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, टाइम यूज करोगे, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, ओके। टाइम तो आप यूज करोगे ही करोगे, ज़्यादा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप दो टेस्ट का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, ओके। फिर जो तीसरे टाइप का है, ये है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी ये ज़्यादातर आप देखोगे कि होमोजेनिसिटी ऑफ द टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो क्या है होमोजेनिसिटी या फिर होमोजेनस सिस्टम, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर जो भी आइटम्स हम मेजर करना चाहते हैं, अगर सभी के सभी आइटम एक ही ट्रेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर मेजर कर रहा है, तो हम कहेंगे होमोजीनियस है। सपोज 5 आइटम्स है, ओके, 5 आइटम्स है, ये भी जिसको मेजर कर रहा है, ये भी उसको ही मेजर कर रहा है, ये भी उसको ही मेजर कर रहा है, ये भी उसको मेजर कर रहा है, ये भी उसको मेजर कर रहा है, यानी कि सभी एक चीज को मेजर कर रहे हैं, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, होमोजीनियस ग्रुप हो गया, होमोजीनियस ग्रुप हो गया। तो ऐसे चीज अगर होगा तो हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी यूज करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक स्प्लिट हाफ मेथड, एक रैशनल इक्विवेलेंट मेथड। ये भी क्या है, इसको भी देख लेते हैं, ओके। स्प्लिट हाफ मेथड जो है, स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, यानी कि हाफ हाफ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसको कोई कोई कहते हैं ऑड एंड इवन मेथड, ऑड एंड इवन मेथड, ओके। तो जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे, ऑड और इवन ऐसे आप कह सकते हो, दो हाफ्स में आप डिवाइड करेंगे, ओके। और कैंडिडेट जो ऑड आइटम में स्कोर लाएंगे और इवन आइटम में स्कोर लाएंगे,
उनको स्टैटिस्टिकल टेक्निक के द्वारा कितना कोरिलेशंस आ रहा है उसको हम चेक करेंगे, ओके। और इसको चेक करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है स्पीयरमैन ब्राउन फ्रोपेसी फॉर्मूला, जो कि है ये, ओके, जो कि है ये। इसको भी अच्छे से याद कर लो। ज़्यादातर आप देखोगे कि SSB में तो ये फॉर्मूला वगैरह कभी भी आता नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर क्वेश्चंस देते हैं, मेथड्स क्या है, उसका की आइडिया क्या है, ये ज़्यादातर आपको जानना है, ओके। यहाँ पर भी एरर आते हैं कैरी ओवर का, मैच्योरिटी का, या फिर मेमोरी प्रैक्टिस इफेक्ट यहाँ पर भी रहता है, सभी में ये रहता है, लेकिन ये मेथड इसको बहुत ही ज़्यादा लेवल में मिनिमाइज कर देता है, ओके। इसका फिर क्या है लिमिटेशंस, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो लिमिटेशंस है, हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 50% अलग 50% अलग, ये जो डिवाइड कर रहे हैं और इवन में जो डिवाइड कर रहे हैं, ये भी इसका लिमिटेशंस है, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है जो दो अलग अलग हो रहे हैं उसका कोरिलेशंस अगर फुल टेस्ट के साथ करोगे तो वो भी सेम नहीं होता, वो भी कई बार डिफरेंट आता है, ये भी प्रॉब्लम है, ओके। फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो है रेशनल इक्विवेलेंट मेथड। तो ये एक प्योरली स्टैटिस्टिकल मेथड है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोरिलेशंस का यूज करते हैं, ओके। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए कुडर और रिचर्डसन का जो KR फॉर्मूला है, KR 20 एंड KR 21, इसको ही यूज करके हम जान पाते हैं, ओके। क्रोनबेच इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, किसको कहते हैं, रेशनल इक्विवेलेंस मेथड को, ओके। यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है, जब R का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि R का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो जाता है, तभी 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 ये रिलेबल होता है, ओके। बाकी जो हमने पढ़ा R इज इक्वल टू क्या था, +0.5 था, ओके, +0.5 था। तो कुडर और रिचर्डसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो आइटम्स हम यूज कर रहे हैं, ओके, वो आइटम तो सेम डिफ़िकल्टी लेवल का है, लेकिन जो बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं वो किस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, इसी के ऊपर इसका रिलेबिलिटी डिपेंड करेगा। क्योंकि एक क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट कोई बच्चा के लिए है, एक्स बच्चा के लिए सपोज, और ये किसी के लिए इजी क्वेश्चंस भी है वाई बच्चा के लिए, तो हम बच्चों के आधार पे अगर देखेंगे तो कोई डिफ़िकल्ट कितना है या फिर कोई इजी कितना है, उसी के आधार पे हम इसका रिलेबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि ये जो KR 20 और KR 21 है इसी को ही एंश्योर करेगा, ओके। तो ये देखो KR 20 का ये फॉर्मूला है और ये जो है KR 21 का फॉर्मूला है, ओके। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी हम इस मैथमेटिकल पोर्शंस में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा, ओके। तो फैक्टर के हिसाब से कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ बाहर के फैक्टर होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। जैसे कि बाहर का फैक्टर माना ग्रुप वेरिएबिलिटी, बहुत सारे ग्रुप्स है, ग्रुप वेरिएबिलिटी वही क्या करता है, रिलेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। गैसिंग्स के द्वारा भी क्या हो सकता है, रिलेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा, मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इंट्रिंसिक्स में लेंथ बहुत बड़ा हो गया है तो इनका भी इम्पैक्ट हो सकता है। ज़्यादा होमोजेनोसिटी है, इक्वालिटी है, तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट वैल्यू है आइटम का, कोई बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, तो ये भी रिलेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। फिर डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू भी इम्पैक्ट डालता है, ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वैलिडिटी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वैलिडिटी माना क्या, वैलिडिटी माना एक्यूरेसी या फिर ट्रूथफुलनेस, इसको अच्छे से याद कर लो, पकड़ लो। ट्रूथफुलनेस यानी कि जो मेजर करना चाहता है वो ही मेजर कर रहा है, तो ये है वैलिडिटी। अगर आप प्लस कराना चाहते हो और ये प्लस ही कर रहा है तो ये है वैलिडिटी। जो काम करने के लिए कहा गया था वही काम ये कर रहा है। क्रोनबेच क्या कहते हैं, क्रोनबेच कहते हैं
वेरिडिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच ए टेस्ट मेजर व्हाट इज परपट टू मेजर, जो मेजर करने के लिए इसको असाइन किया गया था, अगर वो ये मेजर कर रहा है तो ये वैलिड है। ओके ये वैलिड है। तो वेरिडिटी सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात नहीं करता, ये एक्यूरेसी की भी बात करता है, ट्रूथफुलनेस की भी बात करता है। ओके इसीलिए कहा जाता है वैलिडिटी रिलायबिलिटी के ऊपर है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी के ऊपर है। ये चित्र को देख लो, ये चित्र को अच्छे से याद कर लो। ओके रिलायबिलिटी छोटा है, वैलिडिटी बहुत बड़ा है। रिलायबिलिटी यही है लेकिन वैलिडिटी देखो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? वैलिडिटी है। ओके वैलिडिटी इज द एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन है। ओके लेकिन रिलायबिलिटी एसेंशियल कंडीशंस नहीं है। जो वैलिड होगा वो सारे के सारे रिलायबल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे देखो वैलिड है लेकिन इतना ही है रिलायबिलिटी, यानी कि इसके अंदर आ रहा है ये। ओके तो इसके अंदर आ रहा है ये, तो क्या होगा? जो वैलिड होगा वो रिलायबल होगा ही होगा, लेकिन जो रिलायबल होगा वो वैलिड होगा ये जरूरी नहीं है। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी और टाइप ऑफ वैलिडिटी वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी उसको भी देख लेते हैं। ओके वैलिडिटी क्या है? एंडोर्स करता है रिलायबिलिटी को। ये क्या है? एक टेस्ट वैलिड है तो इसका मतलब वो रिलायबल भी है। ये क्वेश्चंस बार बार आता है, अगर कोई वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही होगा, क्योंकि वैलिड बड़ा है और रिलायबिलिटी छोटा है। ये आ गया तो ये तो आएगा ही। ओके लेकिन रिलायबल है तो टेस्ट वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिलायबल है तो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने कहा जैसे कि क्लॉक अगर देखोगे ये 3 बज रहा है, तो जब भी आप देखोगे 3 बज रहा है तो ये रिलायबल हो गया, क्योंकि एक ही टाइम को हरदम दिखा रहा है। ओके टेस्ट में अगर हम मेजर कर रहे हैं वही रिजल्ट बार बार आ रहा है तो ये रिलायबल है, लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं है। क्या ये वैलिड है? आप रात के 5 बजे देखोगे तो ये 3 बज के दिखा रहा है, तो क्या ये वैलिड है? वैलिड नहीं है। जो रिलायबल है वो वैलिड हो सकता है, वैलिड नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके तो वैलिडिटी किसको बताता है? ट्रूथफुलनेस को बताता है, पर्पसिवनेस को बताता है। ये शब्द को अच्छे से पकड़ लो, ट्रूथफुलनेस माना वैलिडिटी। तो ये जिसके लिए डेवलप हुआ है वही अचीव कर पा रहा है या नहीं, ये वैलिडिटी बताता है। ओके तो वैलिडिटी के चलते ही हम पता कर पाते हैं कि कितना डिग्री है, हाई है, मॉडरेट है, लो है। ओके तो वैलिडिटी क्या है? ये एक्सटर्नल कोरिलेशंस का इंडेक्स है, इंडेक्स है। ओके तो क्या है वैलिडिटी के प्रकार, इसको भी देख लेते हैं। ये जो प्रकार है उसके ऊपर तो एक दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके तो पहला जो टाइप है वो है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी अगर हम आइटम को देख के अनुमान करके बता पाए वैलिड है या नहीं तो इसको कहा जाएगा फेस वैलिडिटी। फिर दूसरे टाइप का जो है इसको कहा जाता है कंटेंट वैलिडिटी। अगर आपका टेस्ट अगर आपके कंटेंट को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये होगा कंटेंट वैलिडिटी। फिर है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन का मतलब क्या है? तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में क्या होगा? क्राइटेरिया कुछ होगा, ओके पहले से कुछ निर्मित हुआ है और हमारा जो टेस्ट है इसका कुछ सिमिलरिटीज इसके साथ हो रहा है तो ये क्राइटेरियन रिलेटेड होगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेडिक्टिव, दूसरा होता है कॉन्करेंट। ओके प्रेडिक्टिव में हम ज़्यादातर बेहतर प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फ्यूचर बिहेवियर को बेटर प्रेडिक्ट करते हैं। ओके और कॉन्करेंट में क्या होता है? कॉन्करेंट में कितना ज़्यादा बेहतर कोरिलेट हो पा रहा है एक प्री एग्जिस्टिंग्स के साथ, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके फिर एक होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई एक हाइपोथिसाइज्ड ट्रेट है तो उसको कितना बेहतर वे में मेजर कर पा रहा है
ये होगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फिर फैक्टोरियल वैलिडिटी, फैक्टर की बात ये करेगा। ओके, तो डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला वैलिडिटी है फेस वैलिडिटी, इसको कहा जाता है पहला स्टेप ऑफ वैलिडिटी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस देख के अनुमान करके कह रहे हैं और वैलिड हो सकता है। ओके, तो ये वाइडली यूज नहीं है, क्योंकि टायर टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम देख के एक गैस कर रहे हैं, आइडिया कर रहे हैं वैलिड होगा या नहीं होगा, इसका एक मियर अपीयरेंस को देख के हम बस आइडिया कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ही इसको कहा जाता है ये लोएस्ट लेवल का वैलिडिटी है, लोएस्ट लेवल का वैलिडिटी है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है इसको चेक करने में, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो पहले हम ये चेक करेंगे, और इसी चेक में अगर हमको मिला कि ये वैलिड जैसा नहीं लग रहा है, तो हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे, फर्दर वैलिडिटी का मेथड में नहीं जाते हैं। ओके, फिर जो दूसरे टाइप का है वो है कंटेंट वैलिडिटी। यहाँ से पता ही चल रहा है कंटेंट वर्ड से, ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। ओके, यहाँ पर फॉर्मेट और उसके साथ साथ कंटेंट को ज़्यादा एग्जामाइन किया जाता है। ओके, अनास्तासी क्या कहते हैं, अनास्तासी कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी क्या है, जहाँ पर हम सिस्टेमेटिक एग्जामाइन करके हम कंटेंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि जो हम टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं वो टेस्ट हमारे कंटेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है या नहीं, हमारे कंटेंट को बेटर मेजर कर रहा है या नहीं, उसी को ही हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कंटेंट मतलब क्या है, कंटेंट मतलब हम जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पहले से सेट किए हुए है उसी के ऊपर ये बेस्ड होना चाहिए, ये टेस्ट बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड होगा तो यही कंटेंट वैलिडिटी होगा। ओके, तो ज़्यादातर आप देखोगे कंटेंट वैलिडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट टेस्ट, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो, जो कि 2018 में क्वेश्चंस आए थे। अचीवमेंट टेस्ट अगर कुछ दे दिया है, इतना मार्क्स ला रहा है, उतना मार्क्स ला रहा है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये किसको बता रहा है, कंटेंट मास्टरी को बता रहा है, यानी कि ये कंटेंट वैलिडिटी है। ओके, इसको अच्छे से याद कर लो। तो कंटेंट वैलिडिटी को चेक करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस या फिर ब्लूप्रिंट निर्माण करते हैं, और उसी के चलते ही हम चेक करते हैं कि क्या ये जो कंटेंट हमने लिया है या फिर हमने जो यूनिट का स्पेसिफिकेशंस किया हुआ है उसी के चलते क्या ये आइटम रिलेट कर पा रहा है, जितना ज़्यादा रिलेट करेगा उतना ज़्यादा कंटेंट वैलिडिटी होगा। ओके, फिर जो तीसरे टाइप का है वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, ये भी कंटेंट वैलिडिटी जैसा क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव मेजर कर सकता है, ऑब्जेक्टिव मेजर कर सकता है। लेकिन क्या है इसका डिफरेंस, कंटेंट वैलिडिटी ज़्यादातर एक्सटर्नल क्राइटेरियन के ऊपर फोकस करता है, एक्सटर्नल क्राइटेरियन, कोई कोई इसको कहते हैं कॉन्करेंट इन्फॉर्मेशंस वाला। ओके, तो ये आइदर कॉन्करेंट हो सकता है या फिर प्रेडिक्टिव हो सकता है, कॉन्करेंट या फिर प्रेडिक्टिव हो सकता है। ओके, क्या है प्रेडिक्टिव, क्या है कॉन्करेंट, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रेडिक्टिव का मतलब है ये एम्पेरिकल वैलिडिटी को एंश्योर करेगा या फिर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी को एंश्योर करेगा, क्योंकि ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये कैसा है, एम्पेरिकल है या फिर स्टैटिस्टिकल है, एम्पेरिकल है और स्टैटिस्टिकल है, एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल होने के कारण ये एम्पेरिकल वैलिडिटी है या फिर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी है। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है प्रेडिक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए टेस्ट, टेस्ट के द्वारा हम कितना बेटर वे में प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं उसी को ये क्या करेगा, उसी को ये रेफर करेगा, इसी को ये इंडिकेट करेगा। ओके, ये कितना बेहतर वे में फॉरकास्ट कर पा रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहा है,
इसको ही वैलिडेट करेगा। तो फ्यूचर रिजल्ट, यहाँ पर एक ही वर्ड घूम रहा है, फ्यूचर रिजल्ट, फॉरकास्टिंग, ओके, प्रेडिक्ट, भविष्य का आकलन, भविष्य का अनुमान, इसको ही ये बता रहा है, ओके। लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है, एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों ने जो जो एंट्रेंस में उत्तर दिए हैं, अगर मेडिकल फाइनल एग्जाम होने के बाद अगर वही क्वेश्चंस को वो अच्छे से दे पा रहे हैं, दोनों के कोरिलेशन हम जब निकालेंगे, अच्छा सा हाई कोरिलेशन अगर निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंट्रेंस किया गया था ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को बेटर वे में एक्सप्रेस कर रहा है, ये हम कहेंगे, ओके। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आप यूज कर नहीं पाओगे, यानी कि कंप्लीशन ऑफ कोर्स होगा तो ही आप प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को यूज कर पाओगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लो, ओके। तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव और हाई कोरिलेशन होगा उतना ज्यादा टेस्ट वैलिड होगा, पहले वाला टेस्ट और फाइनल एग्जाम के बाद का जो टेस्ट, ओके। तो ये पास आउट होने के बाद ही आप इसको टेस्ट कर पाओगे। फिर दूसरे टाइप का हो गया, वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजर्स है और आप जो अभी के टेस्ट को ले रहे हो, अगर इसका इसके साथ रिलेशंस ज़्यादा दिखा रहा है तो वो होगा कॉन्करेंट वैलिडिटी, ओके। जैसे कि आप एक इंटेलिजेंस टेस्ट क्रिएट किए हो और एक स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस स्केल को आप ले रहे हो सपोज स्टैनफोर्ड बिनेट का, और अगर आपका रिजल्ट इसके साथ मैच आ रहा है या फिर हाईली कोरिलेटेड हो रहा है, तो उसको आप कहेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी, ओके, कॉन्करेंट वैलिडिटी। फिर जो तीसरे टाइप का है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कोई कोई कहते हैं ट्रेड वैलिडिटी या फिर साइकोलॉजिकल वैलिडिटी, ओके। यहाँ पर ये वैलिडिटी कैसे चेक किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट के आधार पे यहाँ पर चेक किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का ज़्यादा वेरिएबल्स है, ट्रेड का जो वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स के बीच कितना कोरिलेशंस आ रहा है उसको एग्जामाइन किया जाता है। जैसे कि आप सोच सकते हो इंटेलिजेंस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारा कुछ क्या आएगा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंडर आएगा, ओके। जब साइकोलॉजिकल टेस्ट आप बना रहे हो तो इनमें से कितना कोरिलेट हो रहा है इसके चलते ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिया गया है, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया इंटेलिजेंस के ऊपर, साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्टडी स्किल, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सारे आएंगे इसके अंतर्गत, ओके। और जो लास्ट है वो है फैक्टोरियल वैलिडिटी। फैक्टोरियल वैलिडिटी मतलब बहुत सारे जो फैक्टर है या फिर कंपोनेंट है उसी को ही ये वैलिडेट करने की कोशिश करेगा, ओके, या फिर उनके अंदर जो कोरिलेशंस है उसको ये चेक करने की कोशिश करेगा, उसी के आधार पे ये वैलिड होगा या नहीं डिटरमाइन करेगा, ओके। तो फैक्टर वैलिडिटी एक बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिकल टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है फैक्टर एनालिसिस, ओके। तो क्या है फैक्टर एनालिसिस, हमने जब इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ा था, एक थ्योरी ऐसा है जिस थ्योरी के इर्द गिर्द सारे इंटेलिजेंस थ्योरी घूमते हैं, ओके, कोई अगर इसका इसके फॉर में रहेगा कोई अगेंस्ट में रहेगा, कोई इसके फॉर में रहेगा कोई अगेंस्ट में रहेगा, वही है सबसे ज़्यादा फेमस इंटेलिजेंस थ्योरी। तो वो कौन सा है, उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था, उन्होंने दो फैक्टर के बारे में बताया था, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। तो वो कौन है वो व्यक्ति, तो अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो अपना उत्तर, पता चले कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ओके। तो एक ही वार्ड में आपको इसको याद करना है, ये है क्या, फैक्टर एनालिसिस बेस्ड वैलिडिटी, ओके। तो यहाँ पर जो जो फैक्टर भी आएंगे सारे फैक्टर का ये क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी कि उनके क्या
सह संबंध है क्या, रिलेशनशिप है, उसको ये चेक करने की कोशिश करेंगे और उसी के चलते वैलिडिटी डिटरमाइन होगा। ओके, और ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक दो पॉइंट जान लेते हैं। यूजाबिलिटी हो गया, प्रैक्टिकाबिलिटी हो गया, इसको भी थोड़ा बहुत दे लेते हैं। तो क्या है यूजाबिलिटी? यूजाबिलिटी का मतलब जो टेस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है उसको कितना सक्सेसफुली आप क्लासरूम सिचुएशंस में यूज कर पा रहे हो। ओके, यूजाबिलिटी का अर्थ हो गया जो टूल आपने निर्मित किया है उस टूल को आप सक्सेसफुली कितना बेहतर वे में स्कूल में यूज कर पा रहे हो, ये है यूजाबिलिटी। ओके, यूजाबिलिटी यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि टेस्ट हो गया कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, तो क्या है ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी ऐसा टूल है जो कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस है। पर्सनल बाइसनेस से ये फ्री है, कोसो दूर है। ये दो तरह की ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, आइटम ऑब्जेक्टिविटी या फिर स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। आइटम ऑब्जेक्टिविटी क्या है? आइटम ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो भी यहाँ पर टेस्ट आइटम है ये डेफिनाइट सिंगल आंसर दे रहा है, ये बता रहा है ऑब्जेक्टिविटी। एक क्वेश्चंस एक ही आंसर दे रहा है, ये ऑब्जेक्टिविटी को बता रहा है। ओके, ये आइटम ऑब्जेक्टिविटी को बता रहा है, एक आइटम एक उत्तर। ओके, फिर जो दूसरा है स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अगर किसी भी बंदे को आप क्वेश्चंस दे दो और आंसर शीट दे दो, अगर सारे के सारे वो राइट करके उसको करेक्शंस कर पा रहा है तो इसको हम कहेंगे स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी कोई भी बंदा, सपोज आप कॉमर्स के लेक्चरर हो, आपको एजुकेशन का क्वेश्चंस दे दिया गया और आपको कह दिया गया कि ये 50 नंबर तक क्वेश्चंस है, एक का आंसर ये है, दो का ये है, तीन का ये है, इसी के आधार पे आपको वैल्यूएट करना है, स्कोरिंग करना है। तो आप अगर आपके पास बेटर आंसर शीट होगा तो आप आराम से क्या कर पाओगे, आराम से आप स्कोरिंग कर पाओगे, ऑब्जेक्टिवली स्कोरिंग कर पाओगे। तो ये हो गया स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। ओके, और फिर है प्रैक्टिकाबिलिटी। प्रैक्टिकाबिलिटी मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो, यही है प्रैक्टिकाबिलिटी। ओके, फिर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है? आप कितने एरिया को कवर कर पा रहे हो, कितना एक्सटेंड कर पा रहे हो, ये बताएगा कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ओके, ये छोटे छोटे जो है, ये छोटे मोटे जो है ये एग्जाम में तो कभी आते ही नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या क्या है, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी एंड आइटम एनालिसिस, ये तीनों है। ओके, तो हमने रिलेबिलिटी पढ़ लिया, वैलिडिटी पढ़ लिया, फिर आइटम एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो आइटम एनालिसिस वो टूल है जिसके द्वारा हम टेस्ट का इफेक्टिवनेस को हम चेक करते हैं। टेस्ट का इफेक्टिवनेस, एक ही वर्ड में आपको अगर इसको याद करना है तो इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है जिस टूल के द्वारा, वो है आइटम एनालिसिस। यहाँ पर सभी आइटम का कंट्रीब्यूशंस क्या है उसको एनालाइज किया जाता है, एसेस किया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम ही है आइटम एनालिसिस। ओके, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस किया जाता है? यहाँ पर स्टूडेंट जो रेस्पॉन्स दिए हुए है, जो टेस्ट हमने किया था उसी के चलते जो स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स दिए है उसके सभी रेस्पॉन्स को एनालिसिस किया जाएगा। ओके, अगर हम सभी रेस्पॉन्स को बेटर वे में एनालिसिस करेंगे तो ही हम क्वालिटी को पकड़ पाएंगे। ओके, पहले तो हमको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो टेस्ट हमने किया है क्या वो सही हिसाब से फैक्ट को मेजर कर पा रहा है, क्या वो सही हिसाब से फैक्ट को मेज़र कर पा रहा है, आइडिया को, कॉन्सेप्ट को बेटर वे में मेज़र कर पा रहा है। उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स को बेटर वे में जानना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस है, जो आंसर्स है, कौन बच्चा बेटर वे में आंसर कर पाएगा, जो बच्चा अच्छे से जाना हुआ होगा, अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ओके, तो जब हम उस सभी को एनालिसिस करके देखेंगे, यही है वास्तव में आइटम एनालिसिस। ओके, यहाँ पर हम तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव्स। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइटम डिफिकल्टी क्या है? यहाँ पर भी मैथमेटिकल पर्सन्स है लेकिन मैथमेटिकल पर्सन्स में हम नहीं जाएंगे,
हम ऊपर ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे, मेन आइडिया इसका लेने की कोशिश करेंगे। आइटम डिफ़िकल्टी का मतलब कौन सा आइटम कितना डिफ़िकल्ट है, क्या सारे बच्चे कर पा रहे हैं या कुछ बच्चे कर पा रहे हैं या बहुत रेयर बच्चे कर पा रहे हैं, ये बताता है कि आइटम डिफ़िकल्ट है या नहीं। सपोज 100 क्वेश्चन हमने दिए हैं और 50 स्टूडेंट के ऊपर हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस को हम 50 बच्चों को करने के लिए दिए। अगर कुछ क्वेश्चन सिर्फ 5 ही बंदे कर पाए हैं, एक क्वेश्चंस ऐसा है जो 5 बच्चे कर पाए हैं, एक क्वेश्चंस ऐसा है जो 50 के 50 बच्चे कर पाए हैं, तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस हो गया। लेकिन ये क्वेश्चंस को देखो, बहुत सारे बंदे कर ही नहीं पा रहे, तो ये क्या है, आइटम डिफ़िकल्टी को बता रहा है, डिफ़िकल्टी को बता रहा है। ओके, यहाँ पर जो वैलिडिटी हमको चेक करना है, बच्चे के अंदर रियल नॉलेज है या नहीं, डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, उसको हमको जानना है। और उसको जानने के लिए जितना डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चंस होगा, बच्चे का लेवल का नॉलेज उसी क्वेश्चन से पता चलेगा। ओके, अच्छे बच्चे जो होते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बेटर वे में कर पाते हैं, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल क्वेश्चंस कर पाते हैं, मीडियम लेवल के बच्चे मीडियम लेवल का ज़्यादातर कर पाते हैं, लेकिन जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो आइटम एनालिसिस के द्वारा भी हम क्या कर पाते हैं, हम डीप लेवल के अंडरस्टैंडिंग को बेटर वे में चेक कर पाते हैं। ओके, तो जो आइटम डिफ़िकल्टी निकाला जाता है वो रेंज रहता है 0 से 100 के बीच, और जितना वैल्यू ज़्यादा होगा उतना इजी क्वेश्चंस होगा। इसको अच्छे से याद करो, जितना हायर होगा, ये हायर डिफ़िकल्टी की बात नहीं कर रहा है, जितना हायर वैल्यू होगा यानी कि उतना बच्चे कर पाए, ऐसे आप सोचोगे 100 में से अगर 90 हो गया तो 90 बच्चे कर पा रहे हैं तो ये इजी क्वेश्चंस है, 100 में से 5 क्वेश्चंस ही कर पाए मतलब ज़्यादातर बच्चे कर ही नहीं पाए, यानी कि ये क्या है, ये है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और 90 बच्चे कर पा रहे हैं तो ये है इजी क्वेश्चंस। ओके, फिर हो गया आइटम डिस्क्रिमिनेशंस। आइटम डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब क्या है, आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि कितने बच्चे कर पाए कितने बच्चे नहीं कर पाए। ओके, कि कौन अंडरस्टैंड कर पा रहा है और कौन अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा है, इसको अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो या फिर आपका आइटम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है तो ये होगा आइटम डिस्क्रिमिनेशंस। जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होता है ये क्या करता है, ये दो तरह के विद्यार्थियों में डिवाइड कर देता है, जो इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं ये क्या है, ये बेटर स्टूडेंट है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो बिलो स्टूडेंट है या फिर एवरेज स्टूडेंट है, हम ऐसे कहते हैं। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है आइटम डिस्क्रिमिनेशंस को। और लास्ट में है आइटम डिस्ट्रैक्टर। अगर हमारे पास कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्टर है जो कि बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो वो है आइटम डिस्ट्रैक्टर। आइटम डिस्ट्रैक्टर, ये डिस्ट्रैक्टर ही क्वेश्चंस को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है। ओके, क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, अगर ऑप्शंस में कुछ डिस्ट्रैक्टर मौजूद है तो ये क्या करेगा, क्वेश्चंस को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगा। ओके, और जितना डिफ़िकल्ट बनेगा क्वेश्चंस डिस्ट्रैक्टर के चलते, इसको कहेंगे हम बेटर रिलेबिलिटी वाला। ओके, बेटर रिलेबिलिटी वाला। और लास्ट में है NCF 2005 का जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको जस्ट ओवरलुक कर लो, आप आइडिया थोड़ा ले लो क्या है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, क्या कहता है NCF 2005 एग्जामिनेशन के ऊपर, उसको भी थोड़ा बहुत जान लोगे तो एक दो मार्क्स आराम से आ जाएंगे। जितने भी NCF है ये सारा कुछ कौन इंट्रोड्यूस करता है, NCERT करता है। पहला जो था 75 में हुआ था, दूसरा 88 2000 में, तीसरा और 2005 का ये चौथा है। और 2005 वाला जो है इसका चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, और उनके साथ 35 अलग मेंबर थे, यहाँ पर 21 प्रोफेसर्स थे। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यशपाल का जो लर्निंग विदाउट बोर्डन है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसका की फीचर्स क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फोकस करता है, पीस एजुकेशन के ऊपर ट्रेस करता है,
प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करता है, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस का जो रिफॉर्म्स कह रहा है, एग्जामिनेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये इसका मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। ये पाँच प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसको कहा जाता है फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पहला वो कहता है कि अब हमको क्या करना है, रूट मेमोरी से लेके क्या करना है, बाहर निकालना है बच्चों को, शिफ्टिंग करना है लर्निंग को फ्रॉम रूट मेमोरी टू अंडरस्टैंडिंग। ओके, दूसरा जो प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल है नॉलेज को अब कनेक्ट करना है लाइफ में, यानी कि आउटसाइड द स्कूल बच्चे को ले जाना है, बच्चे के थॉट्स को, थिंकिंग को ले जाना है, उसको जुड़ना है, रियल नॉलेज को उसको देना है। ओके, तीसरा है एनरिच करना है करिकुलम को, जिसके चलते बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। फिर करिकुलम को ऐसे बनाना है जो कि बुक्स के बाहर बच्चे को ले पाए, सिर्फ बुक्स से लिमिटेड ना हो जाए बच्चे, बुक से बाहर भी बच्चे बहुत कुछ सीखे। ओके, और लास्ट में नर्चर की बात ये करता है, ओवरराइडिंग आइडेंटिटी की ये बात करता है। ओके, तो ये हो गया फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो एग्जाम रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहा है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो ये कहता है जो अच्छे क्वेश्चंस है सिर्फ एक्सपर्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं है, टीचर्स को भी, प्रोफेसर्स को भी, एजुकेटर्स को भी, इवन स्टूडेंट को भी स्कोप मिलना चाहिए टू सेट पेपर्स या फिर टू फ्रेम क्वेश्चंस, टू बिल्ड क्वेश्चंस, टू क्रिएट बेटर क्वेश्चंस। ओके, फिर ये कहता है टीचर्स को मोटिवेट करने की बात करता है, अगर एग्जामिनेशंस हो रहा है तो टीचर्स जो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, इनविजिलेट कर रहे हैं, उनको रेम्यूनेशन देना चाहिए, ये कहना है NCF 22005 का। ओके, फिर माल प्रैक्टिस के ऊपर भी ये कुछ कहता है, ये क्या कहता है, माल प्रैक्टिस को आप रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कोई बच्चे को आप लीव का परमिशन ही मत दो, अगर कोई फर्स्ट आवर में चला जा रहा है तो उसको क्वेश्चन ही मत दो। फिर ये कहता है कंप्यूटराइजेशन की, कंप्यूटराइजेशन के द्वारा बच्चों के पैरामीटर्स को हम बेटर वे में चेक कर पाएंगे, बेटर वे में उसको हम चेक कर पाएंगे। ओके, फिर ये कहते हैं स्कूल बेस्ड असाइनमेंट के चलते हमारा जो असेसमेंट है वो लो लेवल का असेसमेंट हो रहा है। ओके, फिर ये कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट से हमको किस तरफ जाना चाहिए, वेरियस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। ओके, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट। फिर ये क्या कहते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट को आपको रिप्लेस करना है वेरियस अदर एस्पेक्ट, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट हो गया जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। ओके, फिर ये कहता है सीसीई को फ्लेक्सिबल वे में इम्प्लीमेंटेबल स्कीम के द्वारा सारे के सारे स्टेट में लागू करना है। ओके, फिर ये कहता है असेसमेंट क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल के बियॉन्ड होना चाहिए, पेपर के बियॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लासरूम में एक तरह के बच्चे नहीं होते, डिफरेंट लेवल के लर्नर्स होते हैं। ओके, ये तो क्वेश्चंस आता है, इसको अच्छे से याद कर लो, ओपन बुक एग्जामिनेशंस। ओके, फिर ये क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन को सिर्फ मेमोरी टेस्टिंग का आधार मत बनाओ, इसको क्या करो, टेस्टिंग हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने का एक जरिया बनाओ। ओके, फिर जो ड्रॉप आउट होने का कारण ये बताती है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो, जो रूरल एरिया में ज़्यादातर पुअर परफॉर्मेंस के कारण ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये दो विषय में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ओके, फिर ये कहते हैं एग्जाम सिस्टम को कैसा कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपन कर लो, फ्लेक्सिबल कर लो, क्रिएटिव कर लो, यूजर फ्रेंडली कर लो, बच्चे एग्जाम से भागे नहीं, एग्जाम देने को खुशी पाए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन क्लासेस में एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये कहना है NCF 2005 का। एक हो गया 5, 7 और 11, ये तीनों क्लास में एग्जाम को बंद कर दिया गया, और एग्जाम हो तो किस में हो, 10th में हो। ओके, और लास्ट में ये कहता है कि एक नोडल एजेंसी भी होना चाहिए जो कि सेवरल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करे ऑल ओवर द कंट्री। तो ये था NCF, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ
इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स द बेटर रिसर्च टूल विल बी, 5 डिफरेंट स्टेट से हम क्या करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसके लिए कौन से रिसर्च टूल सबसे बेहतर है, क्वेश्चनर ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तो आप कर नहीं पाओगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 डिफरेंट स्टेट करो, रेटिंग स्केल से भी काम नहीं बनेगा, चेकलिस्ट तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा क्वेश्चनर, क्योंकि जहां पर लार्ज सैंपल होता है वहां पर क्वेश्चनर बहुत ही ईजी वे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। ओके, फॉर कंडक्टिंग ए लार्ज सर्वे, लार्ज नंबर ऑफ सर्वे, यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चनर, जब लार्ज सर्वे करोगे तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनर सबसे इजीएस्ट टूल है। ओके, ऑब्जर्वेशंस मे बी यूज्ड एज द डेटा कलेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस मे बी यूज्ड एज द डेटा कलेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा हम प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस होता है ये। ओके, द क्वेश्चनर टू बी यूज्ड मस्ट बी प्रिपेयर वेरी केयरफुली सो दैट इट मे बी प्रूफ टू इफेक्टिव इन कलेक्टिंग द, कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनर के द्वारा। ओके, यहाँ पर रेलेवेंट डाटा हम कलेक्ट करते हैं, रेलेवेंट सैंपल नहीं होता, रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस नहीं होता। Which of the following type of test item comes under the category of supply type? Supply type में कौन सा आता है, supply type, देखो alternate response अगर है तो वहाँ पर answers already है, multiple choice में already है, matching में already है, लेकिन completions में आपको खुद complete करना पड़ेगा, कोई options नहीं है, यानी कि ये supply करना पड़ेगा, तो completion type हो गया इसका right answers। What properties of a test is judged through the test of consistency, मतलब जो दिखा रहा है हर बार वही दिखाएगा, जो रिजल्ट आ रहा है हर बार वही आएगा, यानी कि ये रिलायबिलिटी को बता रहा है। ओके, वैलिडिटी का मतलब क्या है, जो पर्पस के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वही पर्पस ही फुलफिल हो रहा है, यानी वैलिड है, जो टेस्ट करना चाह रहे हैं वही टेस्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है या फिर सब्जेक्टिविटी नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट। ओके, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू बोल रहा है, नॉट ट्रू कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, वैलिडिटी रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन टू बी मेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट, ये तो राइट है, रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट से हम क्या करते हैं वैलिडिटी को निकाल पाते हैं या फिर इंटरप्रिट कर पाते हैं। वैलिडिटी इज ए जनरल क्वालिटी नहीं है, वैलिडिटी इज ए मैटर ऑफ डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी रहता है, हाई वैलिडिटी, मीडियम वैलिडिटी और लो वैलिडिटी भी रहता है। वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज, ये भी होता है, तो कौन सा नॉट होगा, ये होगा इसका राइट आंसर्स। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फॉलोड फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए टेस्ट व्हिच इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, आप एक टेस्ट डेवलप कर रहे हो, उसके लिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टास्क एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा, कंटेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस नहीं, आइटम एनालिसिस, आइटम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस क्रिएट करोगे तो ये बेटर क्वेश्चंस होंगे, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके, इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ टेस्ट वैलिडिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए मेजर ऑफ वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी क्लासिकल मॉडल में नहीं होता, ये तीनों होते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, 3C। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, वैलिडिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी रिलायबिलिटी के लिए एसेंशियल कंडीशन नहीं है, रिलायबिलिटी एसेंशियल कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, ये करेक्ट है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का रिलेशंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी एसेंशियल ऑब्जेक्टिविटी की कोई बात नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चंस कितने बार घुमा के 16 में, 18 में, 21 में घुमा के देता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए एसेंशियल कंडीशंस है, एसेंशियल कंडीशंस है। ओके, इसको अच्छे
से याद कर लो, एसेंशियल कंडीशंस है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द रिलेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चनेयर। रिलेबिलिटी को चेक करना है तो स्प्लिट हाफ नहीं, पैरेलल फॉर्म नहीं, इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं, टेस्ट रीटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चनेयर को आप जितना ज्यादा टेस्ट रीटेस्ट करोगे उतना उसका रिलेबिलिटी ज्यादा बेहतर पता चलता है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू रिलेटिंग टू पोर्टफोलियो इवैल्यूएशंस। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशंस में कौन सा सही है? फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता, कंटेंस इंफॉर्मेशंस कलेक्टेड कॉन्फिडेंशियली फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर नहीं, कंटेंट सैम्पलिंग ऑफ द लर्नर्स वर्क। ये देखो, लर्नर का जो वर्क है, लर्नर का जो अचीवमेंट है, ये इसमें लिखा जाता है। प्रिपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल एंड इजी। ये तो इवैल्यूएशंस के बारे में पूछ रहा है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन इम्पोर्टेंस बाय NCF 2005 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। ओके, नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन डोमेन में फोकस करना है, नहीं, ये तो नहीं कहा है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सीबल, ये है, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सीबल करने के लिए कहा है। ओपन बुक एग्जाम के लिए भी ये कहता है। इम्प्लीमेंटेशन कॉमन लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। कॉन्फाइनिंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चन सिलेबस, ये भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ईच ऑफ द आइटम क्या होना चाहिए? ओके, इज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, नहीं। कैन बी स्कोर यूनिकली, ये होगा। स्कोर यूनिकली होता है कहाँ पर? होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पर होता है। ओके, इज ऑलवेज मल्टीपुल चॉइस हरदम नहीं होता, कभी कभी सप्लाई टाइप भी होता है। इज स्टार्टेड वेरी प्रीसियसली नहीं होता। ओके, फॉर फैसिलिटेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टूडेंट पोर्टफोलियो शुड बी, पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कर पाए? तो राइटिंग वर्क ऑफ स्टूडेंट रहना चाहिए। स्टूडेंट का पोर्टफोलियो में क्या होता है? पोर्टफोलियो में स्टूडेंट का सभी महत्वपूर्ण चीजें रखी जाती है। इंपॉर्टेंट वर्क, मेमोरेबल वर्क, सारे के सारे यहाँ पर लिखे जाते हैं। क्रिएटिव वर्क बाय स्टूडेंट, ये भी होगा। द परफॉर्मेंसेस, ये भी होगा। तो ये हो जाएगा ऑल द एबव। ओके, ए सेट ऑफ रूल्स ए टीचर कैन एम्प्लॉय फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क। स्टूडेंट का वर्क्स को असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? चेकलिस्ट नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, ओके, रूब्रिक्स नहीं। इसका राइट आंसर होगा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो कौन सा राइट होगा? ये बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रिलेबिलिटी इज द एसेंशियल कंडीशंस फॉर वैलिडिटी। तो ये होगा इसका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ वैलिडिटी इज द लीस्ट प्रीसियसली क्वांटिफिएबल, लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट कौन सा होगा? ये होगा कंटेंट वैलिडिटी। तो यही था आज का वीडियो, बहुत ही लेट हो गया है और बहुत ही कम दिन बचा है। ट्राई करूंगा मैं सभी सिलेबस को ख़त्म कर दूं, क्योंकि कॉलेज का बहुत सारा काम है, इसके चलते मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा 25-26 तक सारे के सारे सिलेबस ख़त्म कर दूं, और जो मैराथन क्लास है या फिर MCQ का क्लास है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।